18x10 इंच पे प्लांटेशन चालू है। ये देख सकते हो टोकन यंत्र से प्लांटेशन कर रहा है। दिखा तो आपको बीज कैसी करी करके। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग्स। तो आज हमारे 3 एकड़ के, ये 3 एकड़ का खेत है अभी हमारे फार्म में। तो अभी मक्का का प्लांटेशन चालू है टोकन यंत्र से। तो आज देख सकते हो वो टोकन यंत्र से प्लांटेशन कर रहे हैं अभी लेबर लोग। तो आज के इस वीडियो में आपको मक्का की ये सरी कैसी पाड़ी जाती है, मक्का बेड़ पे कैसी लगाई जाती है, आज के इस वीडियो में आप तो सब डिटेल में दिखाएंगे। ये खेत अच्छे से तैयार करके अभी इसमें हमने सोयाबीन लिया था, सोयाबीन की फसल निकाल के अभी खेत अच्छे से तैयार करके अभी ये मक्का का प्लांटेशन कर रहे हैं। इसको ऐसे बेड़ पाड़े हुए, बेड़ के नीचे जो चारी होती है वो चारी के अंदर हमने मक्का लगाने वाले हैं। तो अभी तो ये बैलों द्वारा ऐसे सरी पाड़ी हुई, देख सकते हो बखर ले भी हमारे मराठी में इसको बखर बोला जाता है। अभी दो सरी अभी 18 इंच के देख सकते हो, अभी दो सरी जो अपनी पड़ रही है अभी इसे, तो 18 इंच के दो सरे अभी 18 इंच के दो सरी है। तो उसको अभी टोकन यंत्र से उसके पीछे पीछे प्लांटेशन कर रहे हैं। तो अभी ऐसी मार्किंग करी जा रही है ये बेड के 5-5 फीट के अभी है। इसके बाद में नली बिछाई जाएंगी। तो आपको टोकन यंत्र से मक्का का प्लांटेशन, और देखो टोकन यंत्र से मक्का प्लांटेशन चालू है। तो अभी उधर थे अभी तक हमने टोकन यंत्र, आज के अभी तो वहाँ तक हमने प्लांटेशन करवाया। तो अभी इधर बाकी है, तो प्लांटेशन कैसा होता है मैं दिखा तो आपको टोकन यंत्र से। तो ये प्लांटेशन करे हुआ है अभी, ये देख सकते हो ये प्लांटेशन हुआ है। तो अभी टोकन यंत्र से प्लांटेशन करे हुआ है। तो अभी इसमें मिट्टी जग चुकी है, अभी देख सकते हो इधर अपने ये खेत आधा खेत प्लांटेशन करने को हो चुका है, आधा बाकी है। तो अभी टोकन यंत्र से प्लांटेशन कर रहे हैं, देख सकते हो टोकन यंत्र से 18x10 इंच पे प्लांटेशन चालू है। ये देख सकते हो टोकन यंत्र से प्लांटेशन कर रहे हैं। दिखा तो आपको बीज कैसी करी करके, मिट्टी में जग जाते हो जिससे अपने दिखाई नहीं देते। इधर दिखाता हूँ थोड़ी सख्त जगह पे ऊपर रहते खड़े रहते हो, ये देख सकते हो अभी ये बीज गिरे हुए देख सकते हो। ऐसे एक एक बीज के प्लांटेशन चालू है, एक एक बीज और टोकन यंत्र एक एक बीज से ऐसे देख सकते हो। और ये बीज और ये बीज का जो डिस्टेंस है, अब ये जो बीज का डिस्टेंस है दोनों बीज का, ये बीज और ये बीज का डिस्टेंस है 10 इंच, और दो सरी का अंतर है अपना 18 इंच, और दो बेड़ों का अंदर है अपना 5 फीट का है। देख सकते हैं ऐसे प्लांटेशन कर रहे हैं। यानी अभी धूपकाले के दिनों में आने वाली मक्का है, जिसकी वजह से हमें इसको नीचे लगा रहे, जल्दी से जल्दी गिला होता है, पानी की बचत भी होती है, और अपन ड्रिप से पानी देंगे जल्दी भीग जाता है। ऊपर लगाएंगे तो ऊपर का पानी नीचे जल्दी उतरता है, दूसरे अपनी ऊपर जल्दी ज़्यादा पानी लगता है मक्का की फसल को, तो जिससे बेड पर नहीं लगाता हम नीचे लगा रहे, क्योंकि नीचे जल्दी जल्दी गिला होता है। क्योंकि अभी धूपकाले के दिन चालू, धूपकाले के दिनों में आएंगी, अभी तो हिवाला चालू हो चुका है, धूपकाले के दिनों में आएंगी तो उसको ज़्यादा थोड़ा आगे, क्योंकि 5 महीने लगते हैं, 4 से 5 महीने लगते हैं मक्का उगाने को, तो उसको पानी ज़्यादा लगता है, जिसकी वजह से हम नीचे लगा रहे हैं अभी ऐसे दांड में, इस चारी में लगा रहे हैं उसको। अभी दो बेड़ों का अंदर 5 फीट और दो सरी का अंदर 18 इंच का, और दो बीज का डिस्टेंस वो 18 इंच का, सॉरी 10 इंच का ऐसे टोकन का अपने सेटिंग करी हुई। अभी इतना खेत अभी बाकी है, तो कल के वीडियो में कल लगाएंगे अभी आधा खेत, अभी आधे 1 एकड़ तो हो चुका है। तो ऐसे प्लांटेशन कर रहे हैं। अभी ये प्लांटेशन होने के बाद इसको हमने ऐसे जुगाड़ बनाया हुआ है, वो जुगाड़ से आपको दिखाऊंगा मैं कैसी बुझाई जाती है मक्का करके, अभी मक्के कैसी बुझाई जाती है, क्योंकि अभी ये ऊपर का जो चारी ऊपर की जो रहे हुए अभी उसको लेवल करके मैं लेवल कैसे करी हुई दिखाता आप। ये देख सकते हो अभी इस पर ऐसी फरांडी खींची हुई, ऐसी लेवल करी हुई देख सकते हो, इधर ऐसी लेवल करी हुई है। उसके बाद में अब ड्रिप लाइन बिछाई हुई, अब ड्रिप लाइन बिछाने के बाद अभी तो लेन का टाइम, लेन अभी 3 पीस लेन लेने आएंगी, जो हम इस पर मोटर चालू करेंगे अभी 8 या 10 घंटे में पूरा गिला हो जाएंगे। अभी इधर 1.5 एकड़ का प्लांटेशन हो चुका है, सब रेडी हो चुका है ड्रिप लाइन बिछा के। तो अभी ये 1.5 एकड़ खेत बाकी है। तो अभी इधर टोकन अंदर से प्लांटेशन चालू है, और बाद में अभी ये जुगाड़ है देख सकते हो, जुगाड़ है, तो मैं जुगाड़ भी कैसा जुगाड़ से कैसा लेवल करे जाता है मैं दिखा तो आपको। तो ये बुझाने का काम शुरू है मक्का को, जो अपनी सारी पाड़ी थी मैंने दिखा आपको टोकन अंदर से, ये बैल द्वारे चलने वाला जुगाड़ है देख सकते हो, ऐसे पैदल के ऐसे देख सकते हो लेवल करे जा रहा है। इसके अंदर अभी ड्रिप लाइन बिछाई जाएंगी। तो अभी ये देख सकते हो ऐसे जुगाड़ है वो, इसमें एक बखर बोला हमारे मराठी में, इसको बखर बोला जाता है। तो देख सकते हो ऐसे लेवल हो जा रही है एकदम, जो मक्का आपने जो भी थोड़ी बार उड़ी रही हुई, तो जो उड़ी थी वो पूरी ढक चुकी है अभी, ड्रिप लाइन गुता किया तो अभी छाने वाला हो। तो आपने आधे खेत में तो पानी शुरू हो चुका है, आधे खेत में देख सकते हो कितना गीला हो चुका है, 2 घंटे में अभी तक 2 घंटे में यहाँ तक गीला हो चुका है। तो अभी 6 घंटे बाकी, 6 घंटे में पूरा गीला हो जाएगा शाम तक। तो अभी मैं वो आगे जो आदमी वो आगे वो ये मक्के को लेवल कर रहा है, बुझा रहा है, तो अभी मैं उसके पीछे पीछे ऐसे ड्रिप लाइन बिछा रहा हूँ, क्योंकि अपना आधा खेत बाकी इधर अभी बिछाने का, अभी मक्का प्लांटेशन हो चुका है, आधे खेत को अपने ड्रिप लाइन बिछाने के बाकी, इसको पानी अभी कल मिलेगा इसको पानी ड्रिप लाइन से। अभी तो मैं नली बिछा रहा हूँ देख सकते हो, ऐसे ड्रिप लाइन में गुता गए, अकेला इंसान भी ड्रिप लाइन बिछा सकता है। ये देखा इसी लेके जा रहा हूँ मैं नली, देखिए हाथ में पकड़ी मैंने,
ये सी ड्रिप लाइन पकड़ी हुई है, आधे खेत को तो अपने पानी शुरू हो चुका है, अभी ऐसे आधा खेत अपन कल पानी भरेंगे इसको। तो अभी मैं यहाँ देख सकते बांध के पास आ चुका हूँ, यहाँ से अभी ये कनेक्शन में ड्रिप लाइन जुड़ जाएंगे। तो अभी नेक्स्ट नली बिछाने का हो चुका है, ये नली एक नली हो चुकी है। तो आपने यहाँ से आधी डिवाइडर है डेढ़ एकड़ का, यहाँ से जैसे अपने डेढ़ एकड़ को ऐसे डिवाइडर करे हुए और डेढ़ एकड़ को ऐसे डिवाइड है, ऐसा तीन एकड़ खेत को अपने ऐसे दो जगह डिवाइड करे हुए। तो आधे खेत को ऐसे पानी शुरू हो चुका है, अभी आधे खेत को कल पानी शुरू हो जाएंगे। आज तो हम ये मक्के को अच्छे से बुझा के ड्रिप लाइन बिछा के एकदम उसका घन पानी निकाल के साफ करके तो अभी हम आज पूरा क्लीन कर देंगे। आज की शाम तक तो ये पूरा खेत गीला हो जाएगा और ये कल सुबह सुबह लेन जब आएंगे तो कल ये पूरा गीला हो जाएगा। तो अभी तो मैं नाला बिछाऊंगा इनके पीछे पीछे, ऐसे लेवल हो जा रहा है देख सकते हो। मक्का भी आपको एक भी मक्का दिखेंगे नहीं कि उगड़ी करके पूरी झक चुकी है, पूरी मिट्टी में दब चुकी है मक्का।